नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि ETC। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिटेंशन बोर्ड का कनेक्शन और रिटेंशन बोर्ड कैसे बनाएंगे। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है तो कि जो बाज़ार में मिलता है हमें रिटेंशन बोर्ड, तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो हमें खुद से बनाना पड़ता है। तो स्विच सॉकेट चाहे जितने भी हो, तो सारा कनेक्शन इसी तरह से होना है। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आगे हम अपनी वीडियो पर, और ये है हमारे पास बोर्ड और इसमें कटिंग करना है। 2 5-पिन सॉकेट लगाना है और 2 स्विच लगाना है। तो ये 5-पिन सॉकेट है हमारा, और इस बोर्ड में देखिए कटिंग है रेडीमेड, लेकिन इसमें 5 पिन लगाने के लिए मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ से हम मार्क से इसको कट करके तोड़ लेंगे। तो इस तरह से कट करेंगे और कट करने के बाद तोड़ लेंगे इसको, और निकालने के बाद इसको हम इसमें 5-पिन सॉकेट डालेंगे। अगर कोई बाबरी रह जाती है तो इसमें फाइल से या रेती से घिस लेंगे और घिस करके इसको बैठा लेंगे। तो इसमें हमारी कोई बाबरी नहीं है और हमारा 5-पिन सॉकेट आराम से बैठ जा रहा है। तो हम इसमें आगे कुछ नहीं करेंगे, बैठा करके इसमें हम पेच कस लेंगे। तो इसी तरह से अब जो नया सॉकेट होता है, चाहे स्विच होता है, तो इसमें होल खुला नहीं रहता है किसी किसी में, तो वही चीज़ है। तो इसको साफ़ कर लेंगे ताकि हमारा इसमें नट बोल्ट अच्छा से चला जाए, आसानी से कोई दिक्कत ना हो। तो हमने अब इसको साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे नट बोल्ट, इसको टाइट करेंगे। तो इस तरह से इसको टाइट कर लेना है। तो सबसे पहले इसको फंसा लेना है, जितने भी हमारे पास सॉकेट और स्विच होते हैं। तो इसमें तो मान लीजिए 4 ही है, 2 सॉकेट हैं और 2 स्विच है। तो आपके पास चाहे जितना भी बड़ा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे में प्रोसेस सेम है, इसी तरह से फंसा लेना है पहले, और फंसाने के बाद में इसको एक साथ बाद में टाइट करना है, क्योंकि बाद में टाइट करेंगे तो हम सीधा देख पाएंगे और सीधा कर पाएंगे, नहीं तो स्विच सॉकेट कोई कोई टेढ़ा रह जाता है तो देखने में भी ख़राब लगता है। तो सीधा करने का भी तरीका हम आपको बताते हैं इस वीडियो में, कैसे सीधा करेंगे स्विच सॉकेट को। तो ये देखिए, हमने फंसा लिया है, अब इसको हम सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद में इसको देख लेंगे एक नज़र, और उसके बाद स्केल से भी कर सकते हैं। तो हम तो खैर ऐसे ही कर लेते हैं। तो एक तरफ में पहले टाइट करेंगे, देख लीजिए, सिर्फ एक तरफ का जितना भी स्विच सॉकेट होगा टाइट करते निकल जाएंगे आगे की तरफ। तो इसी तरह से एक तरफ पहले टाइट कर लेंगे और सीधा देख करके, और फिर दूसरे तरफ मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में फिर उसी तरह से एक के बाद एक टाइट करते जाएंगे, हमारा स्विच सॉकेट सीधा हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सीधा करने का तरीका है कि स्विच सॉकेट हमारा कैसे सीधा होगा। तो थोड़ा सा स्पेस बना रहता है बोर्ड में। तो ये देखिए सब कनेक्शन कर रहे हैं अब, तो लाल कलर से लिए हैं। स्विच के निचले वाले पॉइंट पे फेस देना होता है, तो फेस हम इसमें दे दिए और यहीं से एक वायर हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया फेस। स्विच पे दोस्तों याद रखिए, हमेशा फेस दिया जाता है, और न्यूट्रल भी देंगे तो जलेगा, चलेगा, काम भी करेगा, लेकिन वो गलत चीज़ होता है। तो उसको आप चेक करके स्विच के निचले पॉइंट पे फेस दीजिए और सॉकेट पे न्यूट्रल दीजिए, क्योंकि फेस कटता है, न्यूट्रल नहीं कटता है। तो जब भी आप स्विच बंद करेंगे तो फेस बंद होना चाहिए, ना कि न्यूट्रल। तो इसी तरह से कनेक्शन होना है, एक सॉकेट पे और एक स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे। तो इसी तरह से सेम कनेक्शन है। तो ये छोटा बोर्ड है तो इसमें 2 स्विच और 2 सॉकेट है, और बड़ा बोर्ड रहेगा तो और बढ़ेगा। तो कनेक्शन सेम ऐसे ही होगा, स्विच का नीचे वाला पॉइंट सारा शॉर्ट कराना होता है और ऊपर वाले पॉइंट से सॉकेट पे सप्लाई देना होता है। और एक एक पॉइंट जो बच जाता है हमारा, जैसे इसमें 2 पॉइंट बचा है, 2 सॉकेट है, तो दोनों को कॉमन करके एक वायर हम यहीं से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों वायर को छील रहे हैं और आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में इसको लगाएंगे
सॉकेट पे, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल हो गया और इस न्यूट्रल को भी बाहर हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें इसको हम बोर्ड में एक होल मारेंगे। तो सॉरी, ये सोल्डर गर्म नहीं है, अभी गर्म करके मार देते हैं। तो चलिए, सोल्डर हमारा गर्म हो गया, मार दिया होल भी, और इसमें से वायर हम निकाल लेंगे बाहर। और बाहर वायर निकालने के बाद में इसको हम टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों, जब तक हम स्क्रू टाइट कर रहे हैं, तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। तो देखिए, एक प्लग लेते हैं। तो हमारे पास टू पिन टॉप है, तो टू पिन टॉप भी हम ले लेते हैं और इसमें लगा देते हैं। वायर चाहे आप जितना बड़ा रख सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत है। तो हम सिर्फ दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम छोटा रखे हैं। और आपको जितनी बड़ी वायर चाहिए तो उतना बड़ा वायर आप रख सकते हैं। और हम टू पिन लगा रहे हैं, तो आप थ्री पिन प्लग भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम टू पिन लगा के दिखा देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से कनेक्शन होना है। और अब जितना बड़ा वायर आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप अपना वायर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।